हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो क्लास 12 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप क्लास 12 में तो वीडियो आपको अंत तक देखना चाहिए। अगर आप वीडियो अंत तक देखते हो तो आप 10 नंबर बहुत आसानी से पा सकते हो। अगर आप वीडियो अंत तक नहीं देखो तो आपको मेरा मतलब नहीं समझ में आएगा, मेरा एम क्या है इस वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज आप वीडियो अंत तक देखना, पांच चीजें बताऊंगा, पांच चीजें आप देखना, फॉलो करोगे तो एक गारंटी है 2019 में बहुत अच्छे मार्क्स पा सकते हो। पहला पॉइंट है, जो मैं आज आपको पेपर दे रहा हूं वो कोई पेपर कोई भी नहीं बनाया, ये पेपर आपको यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया। यूपी बोर्ड का ऑफिशियल साइट पर पेपर जारी किया गया, यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया ये पेपर, ठीक है। पहली बात इसकी खासियत है। दूसरी क्या खासियत है, ये 2019 में जैसा आपका पेपर रहेगा सेम टू सेम वैसा डिजाइन किया गया है। जैसा पेपर आपको 2019 के बोर्ड एग्जाम में मिलेगा वैसा ये पेपर आपके लिए दिया गया है। मैं आपको ये पेपर दूंगा सभी सब्जेक्ट का, इसलिए वीडियो में बने रहो। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें जो क्वेश्चन है सभी एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन से फालतू नहीं, सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी द्वारा दिया गया है, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो पहले साल का आप 2018 से जो आप पेपर लेंगे उसमें 50-50 मार्क्स का पेपर है, लेकिन ये जो आपका पेपर है वो 100 मार्क्स का जैसा आपका 2019 में आपका पेपर आएगा, ठीक है। 2019 में जैसा क्लास 12 का पेपर आएगा सभी सब्जेक्ट का एक ही एग्जाम होगा 100 मार्क्स का, तो वैसा ही पेपर डिजाइन किया गया। अगर आप ये पेपर पूरा सॉल्व कर लेते हो तो 10 मार्क्स आपको एकदम गारंटी है मिल जाएगा एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन में। अब जो सबसे मेन बात है, ये पेपर यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, तो इसमें जितने भी एसे दिए होंगे या फिर जो 5 मार्क्स से क्वेश्चन है, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 मार्क्स के, तो उनको तो आप रख लो, क्योंकि यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है तो इसमें गारंटी है 2-3 क्वेश्चन तो इसमें गारंटी है 5 मार्क्स वाले फंसेंगे। तो आपको क्या करना है, ये पेपर पूरा अच्छे से तैयार कर लेना है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ लिंक दे दिया हूं, आप एक बार देख लो, एक नजर आप स्लाइड शो चला दे रहा हूं, आप जरूर देख लो कि जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितने इसमें प्रैक्टिस है, जैसे गदांश हो गए इंग्लिश में, हिंदी में, तो इनकी आप प्रैक्टिस कर लो। और आप टाइम मैनेजमेंट करो कि 3 घंटे में आप ये पेपर सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। अगर आप ये पेपर 3 घंटे में सॉल्व कर लेते हो तो आप बोर्ड एग्जाम में भी पूरा पेपर सॉल्व कर लेते हो, क्योंकि सबसे बड़ी बात है टाइम मैनेजमेंट। आप टाइम मैनेज करके चलो तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, पेपर डाउनलोड कर आप खुद से इसको सॉल्व करो। जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है मुझे कमेंट करो, मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, ग्रुप में बताओ और खुद से प्रैक्टिस करो। जो क्वेश्चन है उसको एक टाइम लिमिट है, संडे को बैठो 3 घंटे में, आप इसको सोचो कि 3 घंटे में आप आज हमको इसको मॉडल पेपर को सॉल्व करना है। मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, इंग्लिश का, सभी सब्जेक्ट का मैं आज अपलोड कर दूंगा। आपको क्या करना है कि 3 घंटा टाइम लेकर आपको इस पेपर को सॉल्व करना है। अगर आप पेपर 3 घंटे में सॉल्व कर लेते हो तो समझ लो आप बोर्ड एग्जाम में भी पेपर सॉल्व कर लोगे, और ये पेपर आप निश्चित तैयार कर लो, क्योंकि यूपी बोर्ड जारी किया है तो इसमें जरूर से जरूर क्वेश्चन फंसेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी, डिस्क्रिप्शन से जरूर पेपर डाउनलोड करके इसको हल करो। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है कमेंट करो क्वेश्चन नंबर, मैं उसका आंसर आपको अलग वीडियो में बनाकर दे दूंगा, ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट का है। तो अगर वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी वीडियोस डेली पाने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।